नमस्कार, मैं मोहन दुबे, VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाई। उन्हें दिल्ली स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पहला डोज दिया गया। पीएम मोदी को भारत बायोटेक की बनाई कोविड वैक्सीन दी गई है। इस वैक्सीन को पिछले महीने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बनाई कोविशील्ड के साथ इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी गई थी। मोदी ने कोवैक्सीन लगवा कर सिर्फ वैक्सीन से जुड़ी संदेहों को ही नहीं दूर किया, बल्कि उन्होंने एक तीर से कई शिकार किए। देश भर में कोरोना संक्रमण के खिलाफ वैक्सीनेशन का दूसरा फेज सोमवार को शुरू हो गया। इस फेज में 60 साल से अधिक और 45 साल से ज्यादा उम्र के गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को शामिल किया जा रहा है, जिनकी उम्र 1 जनवरी 2022 को 60 साल होने वाली होगी, वे भी इस बार टीका लगवा सकेंगे। वैक्सीनेशन दोपहर 3 बजे तक चलेगा। इसके लिए कोविन 2.0 पोर्टल के साथ ही आरोग्य सेतु पर रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। गुजरात में आज स्थानीय निकायों और पंचायत चुनाव के लिए मतदान हुआ। इस दौरान दाहोद में वोटिंग सेंटर पर जमकर हंगामा हुआ। कुछ लोगों ने ईवीएम को भी नुकसान पहुंचाया। वहीं बनासकांठा में एक जगह बूथ कैप्चरिंग हुई। हालात संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं बीरमगंज में भाजपा कार्यकर्ताओं की निर्दलीय उम्मीदवार के साथ झड़प हो गई। यहां भी पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। कुछ जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फर्जी ईवीएम का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पोलिंग बूथ के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता फर्जी ईवीएम दिखाते हुए चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे थे। इस दौरान हंगामा बढ़ गया। पुलिस ने दखल देकर हालात को काबू में किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन श्री काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन पूजन करने पहुंचे। वो विश्वनाथ कॉरिडोर के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किए। विश्वनाथ मंदिर से निकलकर काल भैरव मंदिर मथा टेकने पहुंचे। वहां से कदुआपुरा में बूथ कार्य समिति की बैठक में भाग लेंगे। पंचायत चुनाव में 2022 मिशन को फतह करने के मंत्र पर चर्चा करेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत को लेकर मंथन करेंगे। BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और CM योगी ने रविवार शाम रोहनिया स्थित क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। काशी क्षेत्र केंद्रीय कार्यालय के प्रभारी अशोक चौरसिया ने बताया कि 12,000 स्क्वायर फीट में पूरा कार्यालय है। पार्टी की ओर से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के लिए इसे बनाया गया है। कार्यालय को बनाने में कुछ लागत 7 करोड़ के करीब खर्च आई होगी। 14 लोकसभा और 71 विधानसभा क्षेत्रों को कार्यालय जोड़ेगा। 4 मंजिला कार्यालय में भूतल में महानगर और जिला भाजपा अध्यक्ष का ऑफिस और उनके साथ पदाधिकारियों के बैठने की जगह है। पहले तल पर क्षेत्रीय अध्यक्ष और उनकी टीम बैठेगी। इसी तल पर कॉन्फ्रेंस रूम और क्षेत्रीय संगठन मंत्री का कार्यालय है। पूरे कार्यालय में CCTV भी लगा हुआ है। देश भर में महंगाई के मार से हर कोई परेशान है। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने लोगों को रुलाने पर मजबूर कर दिया है। यूपी के कानपुर जिले में महंगाई के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। यहां SP विधायक अमिताभ वाजपेयी ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। उन्होंने तांगे में कार को लाद दिया। तांगे पर कार लादकर चल रहे घोड़ों को जब लोगों ने देखा तो उन्होंने इस प्रयोग को गलत ठहराया। बिहार में अब सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी, चाहे वो जहां लगे, निजी या सरकारी अस्पताल में। टीका लेने पर किसी तरह का शुल्क नहीं होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कोरोना टीकाकरण के तीसरे चरण की समीक्षा की, जिसके बाद ये ऐलान किया गया। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा है कि निजी अस्पतालों में टीकाकरण के लिए 250 रुपए का शुल्क लगेगा, लेकिन बिहार में निजी अस्पतालों में टीकाकरण के खर्च का भुगतान राज्य सरकार करेगी। वैसे बिहार सरकार पिछले नवंबर में ही कैबिनेट की बैठक में राज्य में मुफ्त टीकाकरण के फैसले पर मुहर लगा चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सोमवार को वैक्सीन लगवाएंगे। आज उनका जन्मदिन भी है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। महिला सुरक्षा, बिजली बिल और किसानों के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी की है। संक्रमण के मामले बढ़ने के बीच होने वाले बजट सत्र में विपक्षी दल यानी भाजपा अनेक मुद्दों पर राज्य सरकार को घेर सकती है। बजट सत्र में 8 कार्य दिवस होंगे और बजट 8 मार्च को पेश किया जाएगा। सत्र में राजस्व, उच्च शिक्षा और आवास संबंधित विधेयक पेश किए जा सकते हैं। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में कड़े दंड के प्रावधान वाला शक्ति अधिनियम दोनों सदनों की संयुक्त चयन समिति के पास है। राज्य का बजट सत्र आमतौर पर 6 सप्ताह तक चलता है, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर ये अवधि कम की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे देश में पहले से ही होती रही है।
उन्होंने ये भी कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर ज्यादातर योगदान पब्लिक सेक्टर का है। अब समय आ गया है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर का योगदान भी बढ़े। होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, पूरा साइकिल होना चाहिए। हमें किसानों को ऐसा विकल्प देना चाहिए कि वे गेहूं चावल उगाने तक ही सीमित ना रहे। प्रधानमंत्री कृषि क्षेत्र में बजट लागू करने को लेकर हुए वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। महाराष्ट्र में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए प्रशासन ने कई इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया है। सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द कोरोना को कंट्रोल किया जाए। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन लगाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लगाने की हमारी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन शब्द बड़ा विचित्र है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को कहा कि मास्क पहने और लॉकडाउन को ना कहें। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन लगाने के सवाल पर सीएम ठाकरे ने कहा, लॉकडाउन लगाने की हमारी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मजबूरी ये शब्द बड़ा विचित्र है। कई शहरों में नाइट कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है, साथ ही नियमों का पालन करने की भी अपील की है।